मैं हूं महक और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24/7 पर इस वक्त की खबर। जहानगंज थाना के जहानगंज कस्बा में सोमवार को ऑटो रिक्शा में पशु का मांस दो बोरी मिले जाने पर सनसनी मच गई। लोगों ने ऑटो रिक्शा रोक लिया। मांस कुछ देर पहले कहीं लग रहा था और खून भी सड़क पर गिरा था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जहानगंज थाना पुलिस को दी। वही लोगों को देखकर ऑटो रिक्शा चालक वाहन छोड़कर फरार हो चुका था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरी समेत ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया। बरामद मांस समेत ऑटो रिक्शा को पुलिस जहानगंज थाने पर ले गई। वही मामले में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जहानगंज कस्बा में ऑटो रिक्शा में दो बोरी मांस के साथ एक पोटली में काले रंग की पड़वे की खाल बरामद की गई है, जिसे प्रतीत हो रहा है कि यह मांस भी पड़वे का है। मांस की जांच के लिए पुलिस इसको प्रयोगशाला भेज रही है। मामले में शीघ्र ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। विवेचना के आधार पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सुनते हैं एसपी सिटी ने क्या जानकारी दी। कस्बा जहानगंज, जो थाना जहानगंज के अंतर्गत पड़ता है, एक ऑटो से दो बोरियों में पशु का मांस बरामद हुआ है व एक पोटली में काली खाल पड़वे की बरामद हुई है, जिससे ये प्रतीत होता है कि यह मांस पड़वे का है। पुलिस ये सुनिश्चित करने के लिए मांस किसका है परीक्षण के लिए मांस को प्रयोगशाला भेज रही है। दोषियों के विरुद्ध शीघ्र मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा व नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।